हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं, चाहे वो शरीर की बात करें या वो मन की बात करें, तो आपको सबसे पहले जो काम करना होगा वो करना होगा अपनी सोच पर। जब आप पॉजिटिव सोचते हैं, जब आप पॉजिटिव रहते हैं, जब आपके आसपास कोई हर्डल आ जाए लेकिन और उस परेशानी के अंदर से भी आप कोई बेहतर चीज अगर निकालने की ताकत रखते हैं, शक्ति रखते हैं, सो मेक श्योर कि आप अपने आप को बहुत ज्यादा पॉजिटिव बनाए हुए हैं। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इतनी सी परेशानी आती है लेकिन उसके बारे में सोच करके, उसके बारे में विचार करके उस परेशानी को बहुत बड़ा रूप दे देते हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ और भी ज्यादा मुश्किलात में आ जाती है। सो मेक श्योर कि इंसान है, जन्म लिया है, सो परेशानियां तो डेफिनेटली रहेंगी और जब परेशानियां रहेंगी तो उनसे जूझने के लिए, उनसे बाहर निकलने के लिए जो जज्बा चाहिए वो जज्बा आता है आपकी पॉजिटिविटी से। सो मेक श्योर कि अपने आप को पॉजिटिव अप्रोच के साथ हमेशा पॉजिटिव बनाए रखें ताकि आपकी जब सोच पॉजिटिव रहेगी तो आपका शरीर, आपका मन अपने आप ही स्वस्थ रहने वाला है। चलिए दोस्तों, आज की इसी खूबसूरत सी बात के साथ शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दुनिया की एक बहुत तेजी से बढ़ने वाली बीमारी के बारे में, जिसका नाम है डायबिटीज़। और हिंदुस्तान को तो आजकल डायबिटीज़ की राजधानी कहा जाने लगा है, क्योंकि जिस स्पीड से हिंदुस्तान में या भारत में डायबिटीज़ के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, दुनिया के किसी भी मुल्क में, किसी भी देश में इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं। और उसका रीज़न बहुत क्लियर सा है, क्योंकि पिछले 10 सालों में जो हमारी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है, उस लाइफस्टाइल की वजह से आज हमारे देश में हर घर के अंदर आपको एक या दो डायबिटीज़ पेशेंट्स बहुत ईजीली देखने को मिल जाते हैं। So, ये एक अच्छा अलार्म नहीं है, ये एक ऐसा संदेश है, ये एक ऐसा संकेत है जिसकी वजह से हमें ये रुकना चाहिए और देखना चाहिए कि हम कहीं इस गिरफ्त में तो नहीं आ रहे हैं। और अगर अभी तक आप इस डायबिटीज़ रोग से बचे हुए हैं सो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आगे भी अपने आप को बचाए रखें उसके लिए क्या नेचुरल तरीका है, क्या आयुर्वेदिक तरीका है, उसके बारे में आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। सो मेक श्योर कि अगर आपके घर में कोई डायबिटिक पेशेंट है या आप अपने आप को डायबिटीज़ की बॉर्डर लाइन पर देख रहे हैं या आपके घर में कोई है लेकिन आपको अभी तक नहीं आया है और आप अपने आप को प्रिवेंट करके रखना चाहते हैं, सो मेक श्योर कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक वीडियो पर आपका बहुत सारा प्यार आ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जब भी हम डायबिटीज़ की बात करते हैं या मधुमेह की बात करते हैं तो जनरली एक बात कही जाती है कि अगर डायबिटीज़ एक बार आपको हो जाए तो उसके लिए आपको ज़िंदगी भर दवाई लेनी पड़ती है, इसे रिवर्स नहीं किया जा सकता। लेकिन आयुर्वेद इसके विपरीत ही कुछ कहता है। आयुर्वेद और नेचुरोपैथी ये कहती है कि अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में कुछ सकारात्मक चेंजेस लेकर आएँ तो उनकी वजह से आप डायबिटीज़ की दवा को बंद कर सकते हैं और बाकी बची हुई ज़िंदगी को बहुत खुशहाल तरीके से बिता सकते हैं। सो आयुर्वेद की ही एक हर्ब हमें मिलती है जिसका नाम है मोरिंगा लीफ, मतलब सहजने की पत्तियां। अगर इनका इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए तो अपनी डायबिटीज को बहुत कम समय में ही रिवर्स किया जा सकता है। एंड सबसे बड़ी बात कि रिवर्स करने के बाद भी अगर आप इसे लेते रहते हैं तो आप इस डायबिटीज को वापस आने से भी रोक सकते हैं। सहजने के पेड़ की जब भी हम बात करते हैं, जिसे इंग्लिश में ड्रमस्टिक कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल साउथ इंडिया में बहुत सारी सब्जियों के अंदर बनाने के लिए किया जाता है, एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल प्लांट है, एक पेड़ है जिसके अलग अलग हिस्सों का इस्तेमाल अलग अलग तरह की डिशेस बनाने के लिए किया जाता रहा है। यहाँ पर डायबिटीज़ के लिए आयुर्वेद में जो लिखा गया है वो इसकी पत्तियों के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, क्योंकि इसकी पत्तियों के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जिसमें विशेषकर एक एंजाइम जो मैं आपके सामने नाम लेना चाहूँगा वो है क्वेरसेटिन एंजाइम, जो कि हमारे शरीर के अंदर शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है। ये क्वेरसेटिन एंजाइम जो है, जब भी आप खाना खाते हैं तो उस खाने से जो ग्लूकोज है उसको धीरे धीरे आपके ब्लड में रिलीज करता है, जिसकी वजह से आपकी शुगर स्पाइक नहीं होती है और आप लंबे समय तक बहुत अच्छा और बहुत स्वस्थ जीवन जी पाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक और एसिड होता है जिसको क्लोरोजेनिक एसिड कहा जाता है। ये क्लोरोजेनिक एसिड आपके कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है,
आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, जिसकी वजह से आपके शरीर के अंदर जो शुगर का लेवल एकदम स्पाइक हो जाता है, जिसकी वजह से आप फैंट हो जाते हैं, आपके घाव भरने की जो रिकवरी स्पीड है वो कम हो जाती है, उसे भी कंट्रोल किया जा सकता है। मोरिंगा लीफ पाउडर बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसके अंदर इन दोनों एंजाइम्स के अलावा भी बहुत सारे विटामिंस और मिनरल्स पाए जाते हैं, उनके बारे में बात करें। मैं उससे पहले एक और आपको जानकारी देना चाहता हूं कि अगर आप अपनी डायबिटीज़ को 100% रिवर्स करना चाहते हैं एंड आप चाहते हैं कि नेचुरल तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर ढंग से जिए, तो आपको एक प्रोग्राम ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए जिसका नाम है ब्रीद वेल बींग प्रोग्राम। ये जो ब्रीद वेल बींग प्रोग्राम है, ये बहुत ही ज़्यादा एक पावरफुल प्रोग्राम है जो कि अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन द्वारा अप्रूव्ड है, जिसके अंदर आपकी जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, जिसके अंदर ब्लड शुगर आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसको रिवर्स करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए काम किया जाता है। इसे अभी तक लगभग 10,000 लोग अपना चुके हैं और इन 10,000 लोगों ने अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर लिया है। इसके अंदर आपको एक डेडिकेटेड हेल्थ कोच मिलता है जो कि मदद करता है आपकी डायबिटीज़ के रूटीन को मॉडिफाई करने के लिए। एक पर्सनल फिटनेस ट्रेनर आपको दिया जाता है जो कि आपके मसल्स की बिल्टअप में आपका ध्यान मदद करता है। साथ के साथ में आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन मिलती है जो कि अनलिमिटेड होती है, ताकि आप अपनी डायबिटीज़ को रेगुलर बेसिस पर काम करके कंट्रोल कर सकें। इस पूरे के पूरे मॉड्यूल के अंदर आपकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, आपके मील्स होते हैं, आपके मैट्रिक्सेस होते हैं, आपके ब्लड प्रेशर होते हैं, आपका वेट, आपका ब्लड ग्लूकोज, इन सब पर रेगुलर बेसिस पर वॉच रखी जाती है एंड आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से दिया जाता है, जिसकी वजह से आप बहुत आसानी से अपने घर बैठ करके अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए आप बहुत आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दे दूंगा, जहां से जाकर के जब आप रजिस्टर करेंगे तो आपको कंसल्टेंसी फीस 500 रुपये नहीं बल्कि 100 रुपये देनी होगी, क्योंकि आप मेरे लिंक से क्लिक कर रहे हैं। सो मेक श्योर कि आप इसके लिए ज़रूर रजिस्टर करें, क्योंकि इसे रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस फील कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, अब आते हैं वापस से मोरिंगा पर। मोरिंगा के अंदर मैंने आपको बताया कि 2 एंजाइम्स होते हैं, क्वेरसेटिन एंड क्लोरोजेनिक। इसके अलावा भी इसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स होते हैं जिनका काम होता है आपके शरीर के अंदर आपके जो शुगर लेवल्स हैं उसको कंट्रोल करके रखना। विशेषकर इसके अंदर विटामिन B12 होता है जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपके शरीर के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने में। इसके अंदर कॉपर होता है, मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है, सल्फर होता है, पोटेशियम होता है। ये वो मिनरल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं आपके शरीर के अंदर शुगर के लेवल को मेंटेन करने के लिए। सो बहुत ही ज़्यादा एक बेहतरीन हर्ब है आपका मोरिंगा लीफ, जिसके पाउडर का इस्तेमाल आपको ज़रूर करना चाहिए अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं। अब तरीका क्या होगा इसे इस्तेमाल करने का, तो बहुत आसान है। आपको ये मोरिंगा लीफ पाउडर रेडीमेड मार्केट में बहुत ईजीली मिल जाता है। मैं भी आपको डिस्क्रिप्शन में एक बेहतरीन ब्रांड का लिंक दे दूंगा, जहां से जाकर के आप ले पाएंगे। इस पाउडर को दिन में 2 से 3 बार आपको एक बहुत छोटा छोटा चम्मच, जो चाय की पत्ती वाला जो चम्मच होता है वो लेना है, 1 ग्लास पानी के अंदर मिलाना है, और ऊपर से अगर आप अपने टेस्ट को एनहांस करने के लिए आधा नींबू निचोड़ना चाहो तो निचोड़ करके ले सकते हैं, और अगर नींबू को स्किप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सो ऐसा आपको दिन में 2 से 3 बार करना है, मतलब 2 से 3 बार 1-1 ग्लास पानी, उसके अंदर एक छोटा चम्मच मोरिंगा लीफ पाउडर डालिए, मिलाइए और पी जाइए। ये करने से आपको जो ये दोनों एंजाइम आपके शरीर में जाएंगे, आपके ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करेंगे एंड आपके शरीर को हेल्दी फिट बनाने में आपकी मदद करेंगे, आपके डायबिटीज़ को 100% रिवर्स करने में मदद करेंगे और उसे वापस आने से रोकने में भी मदद करेंगे। सो मेक श्योर कि इसे अपनी लाइफ का एक अभिन्न हिस्सा बना लें, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी पूछेंगे कि कितने समय तक हमें लेना है। देखिए, डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, इसका मतलब कि आप इसे लंबे समय तक लेते रहें, इवन बाकी बचा हुआ जितना जीवन है उसमें लेते रहें, ताकि आप आपकी डायबिटीज़ को वापस आने से रोक सकें। इसके अलावा हेल्दी डाइट का ध्यान रखें, एक्सरसाइज करें रेगुलर बेसिस पर, मीठे से थोड़ा सा बचाव करके रखें अपने आप को, स्ट्रेस ना लें एंड सबसे अच्छी बात की प्रॉपर नींद भी लें, ताकि बॉडी नेचुरल वे में रिजुविनेट कर सके। दोस्तों, ये तो था आज का एक बेहतरीन वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको आयुर्वेद की एक बेहतरीन हर्ब के साथ इंट्रोड्यूस कराया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो मेक श्योर कि एक लाइक का बटन दबा करके हमें मोटिवेशन ज़रूर दें। आपका प्यार आप हमें ऐसे ही देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।